एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह एक पार्क में बहुत ही उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसकी जितना कामयाब था। और उसके पिता भी पास ही में टहल रहे थे। वो उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई, मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज्यादातर वही होती है। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया। लेकिन दो दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो भी पास कर गया, फिर भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन दो दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन मिलेगा तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, तब वह खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा ही नहीं पाया और फिर बिजनेस को बढ़ाने में उलझ गया। और ऐसी कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियां शायद कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो आप कहां से आएगी। यह सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहां पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो, यह जो फूलों की लाइन है तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़ कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा, तो इसलिए वह उस फूल को छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता। अब वह पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वो उस लाइन के आखिर में पहुंच गया जहां पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से भी ज्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हें मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो आखिर में उसने वही किया, उन्हें मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं शुरू में ही यह समझकर कोई भी फूल तोड़ लूं कि वह सबसे अच्छा फूल है तो आगे आने वाली इससे भी अच्छे फूल कई छूट ना जाए। उसे चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और आखिर में मेरी हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, मान लो कि यह फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल है यह जिंदगी की खुशियां है जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नजरअंदाज करते चले गए।